माता पिता से होता है, कभी हमारा हमारे भाई बहन से होता है, दोस्तों से होता है। तो इस प्रकार जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती जाती है, उस तरह से हमारी जिंदगी में रिश्ते भी बढ़ते जाते हैं। तो बस हम कभी अपने कुछ कड़वाहट की वजह से, या फिर आजकल बहुत ट्रेंड पे है सो कॉल्ड ईगो, उसकी वजह से हम कुछ रिश्ते खो देते हैं। तो हमें हमेशा जिंदगी में उस घमंड को किनारे रखकर अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और हर रिश्ते की इज्जत और हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाना चाहिए। मेरी कल्पना के अनुसार एक रिश्ता और एक धागा एक समान होता है, क्योंकि एक धागे को जितने ही सरलता के साथ पकड़ा जाए वो उतने अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी तरह एक रिश्ते को ईमानदारी, सच्चाई, लगन और प्यार के साथ निभाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक धागे में कसाव आने की वजह से वो धागा टूट सकता है, उस प्रकार एक रिश्ते में गलत फहमियाँ, गलती और कसाव आने की वजह से वो रिश्ता भी उतनी आसानी से टूट सकता है जितनी आसानी से वो धागा टूट सकता है। तो बस हमें अपना ये जो भी कड़वाहट है उसे किनारे रखते हुए और मैं एक संदेश आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक सुनो, मुझे बात करनी है। फिर से मुस्कुराना है खिलखिलाते होठों से, फिर से मुस्कुराना है खिलखिलाते होठों से, फिर से वो तमाम गलतियां मुझे शर्मनाक करनी है। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर तुम कहो तो वो वक्त फिर से लौट आएगा, अगर तुम कहो तो वो वक्त फिर से लौट आएगा, लौट आएंगे वो लम्हे जिसमें मुझे जिंदगी इजहार करनी है, जिसमें मुझे जिंदगी इजहार करनी है, बस एक बार ही सही पर तुमसे बात करनी है। अरसा बीत गया तन्हा जीते जीते, अरसा बीत गया तन्हा जीते जीते, एक बार फिर से वो चोरी छुपके मुलाकात करनी है, एक बार फिर से वो चोरी छुपके मुलाकात करनी है। उदास रहता है दिल हमारा भी आजकल, उदास रहता है दिल हमारा भी आजकल, इस बार पक्का पर एक बार तुमसे बात करनी है। पता है तुम्हें मेरा कोई दोस्त नहीं है, पता है तुम्हें मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई जानता ही नहीं उतना कि गले लगा सके, कोई जानता ही नहीं उतना कि गले लगा सके, इन दिनों तुम्हारी कमी खलने लगी है, इन दिनों तुम्हारी कमी खलने लगी है, सांसें आग सी सुलगने लगी हैं, कि सांसें आग सी सुलगने लगी हैं, धुआं होती धड़कने अब जिंदा करने लगी हैं, धुआं होती धड़कने अब जिंदा करने लगी हैं, पर एक बार ही सही तुमसे बात करनी है। हर हर मेरी आवारगी का सर चढ़ने लगा है, हर हर मेरी आवारगी का सर चढ़ने लगा है, शाम कुछ बोझ सी लगने लगी है, शाम कुछ बोझ सी लगने लगी है, कि सुकून नहीं मिलता शराब में मुझे, कि सुकून नहीं मिलता शराब में मुझे, नशे की लत अब डसने लगी है, नशे की लत अब डसने लगी है। तुम क्यों नहीं आ जाती मुझे संभालने फिर से, तुम क्यों नहीं आ जाती मुझे संभालने फिर से, वो तमाम लड़ाइयां मुझे तुम्हारे साथ करनी है। सुनो, मुझे तुमसे